गब्बर की दहाड़ और पंजाब किंग्स से रजावा ने कोलकाता के किंग खान के टीम को कर दी शिकस्त। आईपीएल सीजन 16वां का दूसरा मैच पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया, जिसमें शिखर धवन की टीम ने कोलकाता के टीम को कर दी शिकस्त। हालांकि यह मैच बारिश की वजह से रुक गया, लेकिन पंजाब की टीम ने डकवर्थ लुईस के नियम से 7 रनों से विजय हासिल कर ली। आप लोगों को क्या लगता है कि दोस्तों कि कोलकाता की टीम के साथ यह अन्याय हुआ, क्योंकि यदि बारिश न होती तो 4 ओवर क्या कोलकाता की टीम खेलती तो यह मैच आसानी से चेस कर जाती। यह हम नहीं कह रहे, कोलकाता क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि यह अन्याय हुआ। अन्याय कह को भाई, ये डकवर्थ लुईस के हिसाब से पंजाब की टीम जीत के हकदार थी और जीत के हकदार उन्हें ही मिला। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैच की पूरा सिलसिला के बारे में हम बात करते हैं। इस मैच में श्रेयस अय्यर नहीं खेलते क्योंकि वो चोट की वजह से बाहर है, तो उनकी जगह पे कप्तानी कर रहे थे नीतीश राणा। और नीतीश राणा ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और गब्बर की टीम को बैटिंग करने के लिए न्योता भेजा और ओपनिंग करने आए गब्बर की टीम। हालांकि गब्बर की टीम की ज़्यादा कुछ अच्छी शुरुआत नहीं रही और 26 रनों पे ही पहला विकेट गिर गया, लेकिन उनके बाद शिखर धवन और भनुका राजपक्षे ने मिलकर अपने पारी को संभाला। भनुका राजपक्षे ने जबरदस्त तरीके से पहले स्टेप आउट करके कोलकाता गेंदबाजों का धैर्य उड़ाया और भनुका राजपक्षे ने शानदार 32 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। तो वही दूसरे तरफ शिखर धवन ने भी बहुत ही कप्तानी पारी, सूजी भरी पारी खेली और 40 रन बनाकर वेंकटेश्वर अय्यर के बोल पे बोल्ड हो गए। उसके बाद छोटी बहुत पारी जितेश शर्मा ने भी खेली और इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी शिवकरण ने भी 27 रनों की नट आउट पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्के जमाए। और इस मैच में सबसे महंगे बॉलर है टीम साउदी, हालांकि उन्होंने 2 विकेट लिए लेकिन 4 ओवर में 54 रन दिए। तो वही दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर भी इस मैच में महंगे साबित रहे, उन्होंने 4 ओवर में 43 रन दिए। और इस तरह से पंजाब किंग्स टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 191 रन बना दिया और कोलकाता की टीम को 192 रनों का लक्ष्य दिया। और जब कोलकाता की टीम ने रनों का पीछा करने उतरी तो मैच दूसरे ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने मनदीप सिंह को सेम करन के हाथे कैच करा दिया और इस तरह से कोलकाता की टीम की पहली विकेट बहुत ही जल्दी गिर गई। और उसके बाद से वेंकटेश्वर अय्यर और नीतीश राणा ने छोटी छोटी पारी खेली, हालांकि वेंकटेश्वर अय्यर ने भी 34 रनों की पारी खेली और आउट हो गए। उसके बाद सारा ध्यान नीतीश राणा पे था, लेकिन नीतीश राणा भी ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं किए और 24 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अब सारा जिम्मेदारी आंद्रे रसल पे आ गई और ऐसा लगा कि आंद्रे रसल इस मैच को जिता भी देंगे, लेकिन आंद्रे रसल ने भी 35 रन बनाकर सेम करन के शिकार हुए। और जैसे ही आंद्रे रसल आउट हुए बारिश होने लगा, तब तक कोलकाता की टीम ने 16 ओवर में 146 रन बनाकर 7 विकेट गवा दिए थे। अब ऐसा लगा कि बारिश नहीं रुकेगी, तो डकवर्थ लुईस के हिसाब से पंजाब की टीम ने 7 रनों से जीत ली। लेकिन यही कुछ लोगों का कहना है कि यह गलत हुआ, लेकिन यह गलत नहीं हुआ, सबके लिए नियम एक ही होता है। तो हाय दोस्तों, आप लोग यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आईपीएल सीजन का पूरा मैच आपको इस चैनल पर कमेंट्री देखने को मिलेगा। तब तक लिए चलते हैं और अगले वीडियो में इसी जोश के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।